मैं रितेश कुमार केसरी स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का जन जागृत न्यूज चैनल पर। मांडा खास ग्राम प्रधान पद हेतु प्रत्याशी विजय शंकर मौर्य उर्फ दया भाई की तरफ से समस्त मांडा खास ग्रामवासियों को हिंदू नववर्ष व रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं व ढेरों बधाई दिए हैं और साथ में मांडा खास ग्रामवासियों से यह भी निवेदन किए हैं कि हमारे चुनाव चिन्ह चरपाई पर वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए ताकि मांडा खास गांव का चहुमुखी विकास हो सके। आइए देखते हैं वीडियो क्लिप के माध्यम से कि सुभाष चंद मौर्य की मुँह जबानी और मुकेश मौर्य की मुँह जबानी कि गांव के विकास के विषय में क्या कहते हैं। मेरा नाम सुभाष चंद मौर्य है, मांडा खास निवासी हैं। सबसे पहले मैं अपने मांडा खास के सभी जनता जनार्दन को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हिंदू नववर्ष की जी और रामनवमी की पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मांडा खास के चौमुखी विकास के लिए हमने बहुत कुछ सोचा है जी। अगर मैंने ग्राम मांडा खास के ग्राम प्रधान के प्रतिनिधित्व अगर चुने जाते हैं तो सबसे पहले मैं गांव की साफ सफाई की समस्या को दूर कराऊंगा, नाड़ी खरंजा निर्माण कराऊंगा, जरूरतमंदों का आवास दिलाऊंगा जी। जहां नाली नहीं बनी है वहां पे नाली का निर्माण कराऊंगा जी। जैसे गरीबों को पानी की व्यवस्था नहीं है, जहां पहाड़ों पे देख रहे हैं लोग दर दर भटक रहे हैं पानी के लिए, वहां पानी की उचित व्यवस्था करा करके लोगों के घर घर तक टोटी पहुंचाने का काम करूंगा भैया। देख रहे हैं लोग पहाड़ों पे जा करके कहीं डब्बा लगा कर मार धार लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं पानी के लिए। सबसे पहले मैं मांडा को पानी की सबसे उचित व्यवस्था कराऊंगा। प्रथम प्राथमिकता हमारी पानी की रहेगी, लोगों को सबसे पहले पानी दिलाऊंगा। जहां पानी के लिए मार धार हो रहा है पानी की किल्लत खत्म कराऊंगा। जैसे मस्तान सभा के देखे पहाड़ों उधर देख रहे हैं मांडवी देवी धाम की तरफ कुछ लोग एकदम डिब्बा लेकर लाइन लगाए हुए, हैंडपंप रोज बिगड़ता जा रहा है। हमने देखा कई बार उस हैंडपंप को अपने पैसे से हमने सही करवाया जी। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे काम है कि जो जनता अगर एक बार प्रतिनिधि चुनने जा रही है 5 साल के लिए, अब ये चारपाई पर मुहर लगाएं अपना और भारी मतों से विजयी बनाएं। जो भी काम जैसे गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाना जी। समझ रहे हैं ना। हमने अभी देखा 10 साल से मांडा इतना पिछड़ गया है कि आज तक वहाँ पहले तो बल्ब वगैरह लग जाता था, अब तो बल्ब ही नहीं लटक रहा है। समझ रहे हैं ना। सबसे पहले सारे खंभों में स्ट्रीट लाइट लगवाना और लोगों जैसे कहीं कहीं होता क्या है पूरे मांडा खास में ट्रांसफार्मर जल जाता है तो लोग एक हफ्ते इंतजार करते हैं कि लाइट हमारे यहाँ भूल हो गए। सबसे पहले मैं चाहे सांसद विधायक किसी भी प्रतिनिधि से या मांडा के निधि से जो विकास का पैसा रहेगा एक ट्रांसफार्मर 500 KVA का लगवा करके उसको खड़ा करवा देंगे, उस पे टेलर पे खड़ा करा देंगे। जहां भी जरूरत पड़ेगी जहां के ट्रांसफार्मर फूकेगा वहां तुरंत जाकर के वहां लाइट चालू करा जाएगा। मतलब नगर पंचायत वाली व्यवस्था मांडा खास और जैसे कहीं के हमने देखा नगर पंचायत भारागंज में भी जी। कुछ ऐसी व्यवस्था है, हमने उसको देखकर हमको काफी खुशी मिली कि हर वार्डो में 2-3 जगह बोर करा करके 2 इंच की समरसेबुल लगा करके लोगों को पानी पहुंचाया गया है जी। मैं उसी व्यवस्था को लेकर के सबसे पहले मेरा पानी अभियान शुरू रहेगा जी। लोगों को पानी घर घर पहुंचाने का काम करूंगा। ठीक, अगर जनता को विश्वास होगी तो हमें चारपाई पे वोट दे इस बार और भारी मतों से विजय बनाए। हमारे मुकेश भाई बगल में है, उनसे दो कुछ अपने मुखार में कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं सभी हिंदू भाइयों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप जो है विजय भैया को दया भैया को जो है चारपाई पर मोहर लगा कर भारी मतों से विजयी बनाएं। और सबसे प्राथमिकता हमारी ये रहेगी कि स्वच्छता का मांडा के अंदर स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मांडा के अंदर आज 10 सालों से नालियां जाम पड़ी हुई हैं, बंद तो जाती हैं लेकिन सफैया करवाने वाला कोई नहीं होता है। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही रहेगी कि मांडा के अंदर कहीं भी नाली में कचरा नहीं मिलेगा। महीने में एक बार जरूर ग्राम सभा की गाड़ी एक रखी जाएगी जो कि सभी चारों तरफ की नालियां साफ रहेगी और जहां नालियां नहीं बनी वहां नालियां बनेगी और पानी की जहां दिक्कत है वहां पानी का सुविधा कराया जाएगा। यही मेरा मांडा के जनता से निवेदन है कि चारपाई वोट दर कर भारी मतों से विजयी बनाएं।
चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत न्यूज सच के साथ, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।